FBD में प्रोग्रामिंग सीखने के लिए सबसे पहले हम लॉजिक गेट्स डिस्कस करेंगे। तो FBD के अंदर जब भी हम कोई प्रोग्रामिंग करते हैं, FBD के अंदर प्रोग्रामिंग करेंगे तो कोई भी इंस्ट्रक्शन होगा वो एक ब्लॉक टाइप होगा। उसकी एक इनपुट साइड होगी और दूसरी आउटपुट साइड होगी। तो इनपुट साइड में हम जब कोई वेरिएबल कनेक्ट करते हैं तो उसे हम इनपुट रेफरेंस के अंदर उसे इंसर्ट करके यूज करते हैं। तो इनपुट रेफरेंस क्या होता है, पहले इनपुट रेफरेंस को समझ लेते हैं। इनपुट रेफरेंस एक इस तरह का सिंबल है, इसकी एक पिन होती है यहाँ पर, और इसकी अगर ये जो कनेक्ट होगा किसी भी इंस्ट्रक्शन के साथ, अगर ये बूल टाइप है तो इसकी जो वायर है वो डैश डैश होगा। वहीं अगर कोई बूल के अलावा है, यानी कि एनालॉग है या इंटीजर है, डबल इंटीजर है या रियल है, तो इसका जो वायर है वो सॉलिड होगा। तो इसको हम बोलते हैं इनपुट रेफरेंस। एक दूसरा होता है जो आउटपुट रेफरेंस, जिसको हम आउटपुट रेफरेंस बोलते हैं, यानी कि वो आउटपुट में लगेगा। यहाँ पर हमारा कोई भी इंस्ट्रक्शन हो सकता है, FBD का कोई भी इंस्ट्रक्शन यहाँ पर हो सकता है और इनपुट इसके इनपुट में लग जाता है। आउटपुट रेफरेंस हमारा कुछ इसका जस्ट उल्टा होता है, इसमें भी एक पिन होती है लेकिन ये आउटपुट को एक्सेप्ट करती है, यानी कि ये रिसीव करेगा, ये सेंड करेगा किसी भी इंस्ट्रक्शन को और ये रिसीव करेगा। तो इसके अंदर भी जो पिन कनेक्ट होगी वो अगर बूल टाइप टैग इसके अंदर है तो इसकी ये डैश डैश होगी, और अगर बूल टाइप नहीं है तो ये सॉलिड होगी, सॉलिड। यानी कि ये एक इनपुट रेफरेंस और एक आउटपुट रेफरेंस, ये एक ऐसा एक वेरिएबल को यूज करने के लिए, इसी के अंदर हम बूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसी के अंदर हम एनालॉग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट गेट्स हैं उसको समझेंगे। लैडर के अंदर तो हम जब हम सीरीज में कोई कंडीशन लगा देते थे, यानी कि एक को पास करेगा, फिर दूसरी कंडीशन चेक करेगा उसको पास करेगा, तीसरी कंडीशन चेक करेगा उसको पास करेगा, यानी कि सारी कंडीशन जब पास हो जाएंगी तब ये आउटपुट को एनर्जाइज करता था। कुछ उसी तरह का इसके अंदर हमारे पास एन ओ एन सी नहीं होते हैं, इसके अंदर हम बूलियन एंड का एक ब्लॉक लेते हैं, इसके अंदर ब्लॉक होता है। तो ये ब्लॉक कुछ इस तरह का दिखेगा, ये बूलियन एंड होता है, BAND, बूलियन एंड। इसके अंदर कुछ इनपुट होंगे, जैसे इस ये जो ब्लॉक बना हुआ है इसके अंदर 8 हम इनपुट ले सकते हैं और एक आउटपुट होगा, आउट। बूलियन एंड कैसे काम करेगा कि सारी जितनी भी कंडीशन है वो सारी की सारी एक साथ ट्रू होंगी तभी आउटपुट जनरेट करेगा। इसकी कुछ अगर मान लीजिए मैं इसका दो इनपुट मान लेता हूं IN1 और IN2, तो इसकी कुछ टेबल इस तरह की बनेगी, ये आपका IN1 हो गया और ये IN2 हो गया और ये आउट हो गया। अगर ये जीरो है, IN0 है और IN1 जीरो है और IN2 भी जीरो है तो आउटपुट हमारा जीरो निकलेगा, और अगर IN1 जीरो है और IN2 वन है तब भी ये जीरो निकालेगा, एक तरह से मल्टीप्लाई करेगा, एंड गेट है। और अगर ये वन है और ये जीरो है तब भी जीरो निकालेगा, यानी कि एक तरह से मल्टीप्लाई कर रहा है। एक ही कंडीशन है कि IN1 भी ट्रू होना चाहिए, IN2 भी ट्रू होना चाहिए तभी ये आउटपुट ट्रू होगा, तो ये एंड गेट होता है। तो इस तरह से हमारा आउटपुट जनरेट होता है, यानी कि इसमें केवल एक ही कंडीशन है जिसमें हमारा आउटपुट जनरेट होगा, यानी कि अगर दोनों कंडीशन जीरो है तब भी जीरो, कोई एक कंडीशन अगर जीरो है तब भी ये आउटपुट जीरो होगा, तो ये होता है हमारा एंड गेट। एक दूसरा केस हमारा है, ये तो हमारा बूलियन एंड हो गया। अब दूसरा एक है बूलियन और। बूलियन और का भी जो इंस्ट्रक्शन है वो सेम इसी तरह का दिखेगा, बस यहाँ पर बूलियन और लिखा होगा, यानी कि इसका इंस्ट्रक्शन भी सेम ही होगा। इसके कुछ इनपुट होंगे इधर और यहाँ पर बूलियन और लिखा होगा, यानी कि बी और लिखा होगा, और एक आउटपुट होगा। ये कैसे काम करता है इसकी भी एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए मैंने ये दो इनपुट ले लेते हैं, IN कुछ भी नाम दे सकते हैं, IN3 और IN4 ले लेते हैं, ये दो इनपुट हो गए और एक आउटपुट है। ये कैसे काम करेगा, ये एक तरह से एडिशन की तरह काम करेगा।
अगर इनपुट पहला इनपुट जीरो है दूसरा इनपुट जीरो है तब तो ये जीरो रहेगा, अगर पहला इनपुट जीरो है और दूसरा वन है तो ये वन हो जाएगा और गेट है, और अगर पहला इनपुट वन है और दूसरा जीरो है तब भी ये वन हो जाएगा, और अगर पहला इनपुट ट्रू है और सेकेंड इनपुट को ट्रू है तब भी आउटपुट ट्रू होगा। यानी कि इसके केस में सिर्फ एक ही कंडीशन ऐसी है जिसमें आउटपुट ट्रू नहीं होगा, वो कि दोनों कंडीशन अगर फॉल्स हैं तो हमारा आउटपुट जनरेट नहीं होगा। तो ये बूलियन एंड और बूलियन और हो गया। अब एक तीसरा इंस्ट्रक्शन है वो है बूलियन एक्सक्लूसिव और, ये भी यानी कि एक ब्लॉक होगा, इसके अंदर भी कुछ इनपुट होंगे और एक आउटपुट होगा, और यहाँ पर लिखा होगा बी एक्स ओ आर, यानी कि बी एक्स ओ आर लिखा होगा। तो इसके अंदर क्या है, ये सेम ही है, इसमें बस एक ही कंडीशन है जिसके अंदर हमारा आउटपुट जनरेट नहीं होगा। इसको इसी टेबल को हम यहाँ पर बना लेते हैं। इसके अंदर मान लीजिए मैं एक इनपुट 5 और इनपुट 6 नाम दे देते हैं और एक आउटपुट, तो इसका अगर पहला इनपुट अगर जीरो है और दूसरा इनपुट जीरो है तो इसका आउटपुट जीरो, और अगर पहला इनपुट जीरो है और दूसरा इनपुट वन है तो इसके अंदर आउटपुट वन हो जाए, यानी कि आउटपुट ट्रू हो जाए। ऐसे ही एक दूसरी कंडीशन, अगर पहला इनपुट वन है और दूसरा इनपुट फॉल्स है तब भी आउटपुट जनरेट हो जाएगा। चौथी कंडीशन इसके अंदर जो जनरेट हो रही थी कि दोनों इनपुट अगर ट्रू हो जाते हैं तब इस केस में तो आउटपुट जनरेट हो जाता था, लेकिन इसके केस में आउटपुट जनरेट नहीं हो। तो एक ही कंडीशन है जो इससे डिफर है, यानी कि बी और बी एक्स और में, कि ये जो कंडीशन थी जिसमें दोनों इनपुट ट्रू हो रहे थे उस केस में यहाँ तो आउटपुट जनरेट हो रहा था लेकिन इसके अंदर आउटपुट जनरेट नहीं हो रहा है। यानी कि कोई भी कंडीशन इनमें से एक भी कंडीशन अगर ट्रू है तभी आउटपुट जनरेट होगा, अगर दोनों कंडीशन ट्रू हो गई तो भी फॉल्स हो जाएगा, या दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई तब भी ये जीरो हो जाएगा। तो इस केस में सिर्फ एक ही कंडीशन है, यानी एक का मतलब अगर हमारे पास 8 कंडीशन है या 5 कंडीशन है उनमें से कोई सी भी कंडीशन एक ट्रू हो जाती है तो आउटपुट जनरेट हो जाए, लेकिन अगर सारी कंडीशन ट्रू होती हैं तो इसका आउटपुट जनरेट नहीं होगा, या सारी कंडीशन फॉल्स होती हैं तब भी आउटपुट जनरेट नहीं होगा। अब एक चौथा जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन है वो है बी नॉट, बूलियन नॉट। इसके अंदर एक ही इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है, तो एक इसका इनपुट हो गया, मान लीजिए IN7 हो गया, एक इनपुट हो गया IN7 और एक आउटपुट हो गया, और यहां पर बी नॉट लिखा होगा। ये कैसे काम करता है, ये जो भी इनपुट होगा उसका उल्टा आउटपुट निकालेगा। यानी कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर एक ट्रुथ टेबल बनाता हूँ, इसकी जो इनपुट हो गया और ये आउटपुट हो गया, एक इनपुट है एक आउटपुट है, अगर इसकी वैल्यू इनपुट की वैल्यू अगर इनपुट फॉल्स है तो आउटपुट ट्रू होगा, और अगर इनपुट ट्रू है तो आउटपुट फॉल्स होगा, ये जस्ट उसका इन्वर्ट कर देता है। तो ये चार प्रकार के हमारे जो गेट हैं ये हमारी प्रोग्रामिंग में जनरली यूज होते हैं और प्रोग्रामिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो हमारे चार गेट हो गए। अब हम अपने लैपटॉप पर चलेंगे और कुछ एग्जांपल लेंगे। कुछ एग्जांपल हमने यहाँ पर नोट किए हैं। पहला जो असाइनमेंट है वो है एंड गेट पर डिपेंडेंट है, यानी कि इनपुट वन इज ट्रू एंड इनपुट टू इज ट्रू देन आउटपुट वन शुड बी ऑन। एक ये है, ये एंड गेट से हम बनाएंगे। दूसरा है और गेट की मदद से, इनपुट 3 ट्रू और इनपुट 4 ट्रू देन आउटपुट 2 शुड बी ऑन, दूसरा हो गया और गेट की तरह से। और तीसरा है बूलियन एक्सक्लूसिव और के गेट के मदद से बनाएंगे, जिसमें इनपुट 5 और इनपुट 6 इज ट्रू देन आउटपुट शुड बी ऑन। उसमें एक इंटरलॉक रहेगा कि इनपुट 5 और इनपुट 6 दोनों एक साथ अगर ट्रू हो जाते हैं तो ये आउटपुट जनरेट नहीं करेगा, यानी कि सेम ही और गेट का ही एक वर्जन है। एक चौथा असाइनमेंट है जिसमें इनपुट 7 इज ट्रू देन आउटपुट शुड बी ऑफ, यानी कि इनपुट ट्रू है तो आउटपुट ऑफ होना चाहिए, अगर इनपुट फॉल्स है तो आउटपुट ऑन होना चाहिए। ये इसका बी नॉट का एक एग्जांपल है।